हाय हेलो सत श्री अकाल, आप सब देख रहे हैं मुझे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। आज नाम इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आप लोग को पहचान ही गए हो कि मैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे कितना आती हूँ। नमिता सचदेवा मेरा नाम है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि भाई जो चीजें लाइफ में होनी होती है ना वो होके रहती है चाहे आप कुछ भी कर लो। मेरे साथ है राहुल दुआ जो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बढ़िया करते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी वो एक नई पार्टी की भी शुरुआत कर रहे हैं, होस्ट भी बन रहे हैं, मेरी नौकरी खाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रेयस राहुल वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे थैंक यू नमिता मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैंने मरना है आपकी पेट पे लात मार के बताओ है। नहीं मैं नहीं आपकी नौकरी खा रहा। मैं बस छोटा सा बालक हूँ, मैं कोई नई चीज ट्राई कर रहा हूँ और नहीं, कुछ मैं सोच रही थी मैं मतलब रियलिटी शो होस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शार्क टैंक, इंडिया आप पहले पहुंच गए, ऐसे नहीं चल पाएगा ना। नहीं। अब मैडम मैं एक्चुअली क्या था, मैं ना उनके ऑफिस के सामने से निकल ही रहा था तो वो कह रहे कि सुनो तुम ठीक ठाक लग रहे हो, तुम इधर आओ, तुम करना चाहोगे? मैं कहा हाँ जी मैं करना चाहूंगा। सो बेसिकली आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो गया। नहीं तो नंबर आपका था, वो कह भी रहे थे कि नमिता से बात करनी है। उफ मैन, चलो कोई बात नहीं, सीजन 3 में देख लेंगे हम, सीजन 2 आप ही कर दो तभी, है ना। मैम मुझे ये बताओ, पहला रणविजय ने किया, अभी आप कर रहे हो, तो रणविजय से कुछ पहले इंस्पायर्ड थे या पहले शार्क टैंक देखते थे आप, और ये पूरी जो ये जर्नी रही वो कैसे हुई, क्या क्या पूछा आपसे, मुझे सब जानना है आज। ठीक है जी, तो मैं आपको सब बताता हूँ। तो बेसिकली रणविजय सर को तो हम सब देख रहे हैं, लाइक ग्रोइंग अप रोडीज देखा हमने, मल्टीपल सीजन देखे। एंड रणविजय सर हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ प्रॉपर होस्ट, एज अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल फिगर, राइट? सो जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, आई डिड माय ऑडिशंस एंड आई वाज लाइक कि अच्छा मे बी यू नो दे ट्राइंग टू मेक इट बिगर एंड बेटर, दे माइट हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट सेगमेंट इस शो में। तो वो मेन शो रणविजय होस्ट करेंगे, मैं शायद ये होस्ट करूंगा, या हो सकता है कि यू नो हम को होस्ट हों, रणविजय और मैं साथ में होस्ट कर रहा हूँ। बट देन आई गॉट टू नो दैट आई एम द ओनली होस्ट। आई एम लाइक ओ वाओ, दीज आर वेरी बिग शूज टू फिल, बिकॉज यू नो कंपेरिजन तो देखो होंगे ही, बट आई डोंट थिंक डूइंग कंपेरिजन इज फेयर बिकॉज दैट गाय इज अ वेटरन टू बी ऑनेस्ट। लाइक वो एकदम दिग्गज मजे हुए खिलाड़ी हैं और मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड ही हैज हिज ओन सेट ऑफ सेंसिबिलिटीज दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। लाइक नॉट ओनली इज अ होस्ट बट इज एन इन्वेस्टर ऑल्सो इन मल्टीपल बिजनेसेस एंड आई एम जस्ट अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आई जस्ट नो हाउ टू क्रैक जोक्स, आई नो हाउ टू मेक थिंग्स फनी। तो आई थिंक यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये कोई आई कम है वॉज क्या? इन्वेस्टमेंट आई हाँ वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बट आई लाइक रणविजय हैज हिमसेल्फ, उन्होंने अपना पैसा डाला है। तो रणविजय का स्किल सेट, वॉट रणविजय ब्रिंग्स टू द टेबल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई ब्रिंग टू द टेबल। एंड आई थिंक अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज चैनल्स कॉल कि उनको किस टाइप का नैरेटिव चाहिए था दिस टाइम अराउंड। मेरी रणविजय से बात नहीं हुई है कोई, देयर वाज नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर कि ऐसे करना वैसे नहीं करना, ये करना वो नहीं करना। वी नेवर इंटरेक्टेड बट आई वुड लव टू नॉट ओनली इंटरेक्ट बट वर्क विद हिम इन फ्यूचर ऑल्सो। सो वेन आई वॉज ऑडिशनिंग माई ओनली दी ओनली थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन माई हेड वॉज कि मेरे को आई हैव दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड एज इज द केस विद एवरी वर्क अपॉर्चुनिटी आई ट्राई टू गिव माई 100%, मोर देन 100%। तो मुझे बस ये था कि मेरे को एक अच्छा काम करना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शार्क टैंक इज अ वेरी बिग नेम इन द कंट्री। तो अगर अगर ये हो जाती है, इवन इफ मेरे दिमाग में तो वो एक साइड सेगमेंट का होस्ट चल रहा था ना, अगर वो भी है तो भी बहुत बड़ी चीज है, मेरे को इसको बहुत अच्छे से करना है। दो तीन ऑडिशंस दिए उसके बाद फिर फाइनली कन्वर्ट हो गया। मैं कहता बहुत बढ़िया बात है मेरी, है बढ़िया गाल है। वैसे सिर्फ ना? शार्क टैंक या रियलिटी शोज ही बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, राहुल दुआ भी बहुत बड़ा नाम है भाई, और कोई जानता है राहुल अच्छा दुआ, है ना। एंकर बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की बड़ी कृपा, घर वालों का आशीर्वाद। जब आप सिलेक्ट हुए इस शो के लिए, ये तो चलो एक बात है कि आप हो गए सिलेक्ट, उससे पहले शार्क टैंक देखते थे आप? फर्स्ट सीजन देखा हाँ आपने? अच्छा जी हाँ जी, मैंने देखा है। इन ऑल ऑनेस्टी मैंने सारे 32-33 एपिसोड नहीं देखे बट मैंने 16-17 देखे, मतलब ऐसे आई हैव सीन मोर देन हाफ ऑफ इट। एंड नॉट ओनली शार्क टैंक इंडिया, आई हैव बीन अ फैन ऑफ शार्क टैंक पहले से, जब हम कॉलेज वगैरह में होते थे तो टॉरेंट पे मेरे यार दोस्त डाउनलोड करके देखा करते थे, मैं उनके साइड बैठ जाता करता। तो मेरे में कभी भी ऐसा इनिशिएटिव टेकिंग और वो था नहीं कि मैं खुद से डाउनलोड करूँ, मैं खुद देखूँ, ना ना अपने पास लैपटॉप था तो ये सब कुछ हाँ करते थे और मैं उनके साथ बैठा था कि अच्छा ये सब चल रहा है, वो अच्छा पैसे लेने आया, वो अच्छा बड़े पैसे मिल गए इसको, अच्छा। तो वो शार्क टैंक एज अ फॉर्मेट का तो मैं पहले से फैन था एंड शार्क टैंक हाँ इंडिया भी हमने देखा, आधा पचद्धा था जितना हमने देखा। बट देन शार्क टैंक तू तो मैंने सारा देखा, जितना लोगों ने नहीं देखा मैंने उससे ज्यादा देखा, अरे इतना वाह वो क्या है। बात है ना, हाँ तो मैं रग रग से वाकिफ। वैसे मुझे तो कई बार शार्क टैंक इक्विटी वाला प्रोसेस ही समझ नहीं आता, मुझे लगता है यार इतना इतना टीडियस हो जाता है यार, कितने परसेंट कौन सी इक्विटी किसको मिल रही है।
ना? मैं तो उनसे शार्क से मैं यही बात करता था ऑफ द रिकॉर्ड कि आप इतनी जल्दी हिसाब कैसे लगा लेते हो कि इसको कितना देना है। अगर वो 4% मांग रहा है, 10 10 लाख रुपया मांग रहा है, जो भी मांग रहा है, आप उसका 2 4 5 ये इतना कैसे आप कर रहे थे। कह रहे बेटा हम करते ही हैं सारी उम्र, हमने तुमसे पूछा कि तू जो कैसे बना लेते। मैं कहा आपकी बात थी। लेकिन मैं पूछूंगी ये बात, ये जोक हाँ बनाना जी दुनिया बताओ। की कला होती है, किसी को हंसाना अपने जोक्स पे, एंड यू डू इट सो एफर्टलेसली राहुल। आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक योर यू परफॉर्मेंस, एक्सप्रेस। यू डू सच अ हेल्दी कॉमेडी दैट इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसी भी चीज पे आप कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो। मैंने बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस तो आपके नहीं देखे, बट कुछ कुछ वीडियोस जो मैंने देखे जो मुझे काफी अच्छे लगे, उनमें मैं एक चीज रियलाइज कर पाई कि ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी भी करना इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। ये सब लोग नहीं कर जी सकते। मैम। कैसे कर लेते हो बताओ? मैम जब बात रोजी रोटी पे आ जाए तो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आई एम गुड एट ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड हाँ कपल्ड विद द फैक्ट कि मैं थोड़ा उसको एक कहानी में ढाल लेता हूँ। वो थोड़ी एक अपनी कला है, ये है टैलेंट, बट इसको थोड़ा सा और कंटिन्यूअसली बेटर करता रहता हूँ बाय बाय जस्ट गोइंग ऑन स्टेज एंड डूइंग शोज एंड ट्राइंग माई मटीरियल डेली। तो बस मैं वही है कि ऑब्जर्व करते चलो, लिखते चलो, किसी पे जोक बन गया बन गया, किसी पे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और पे बन जाएगा। पर मैम वही है कि ये ना एक 24/7 कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टू कीप बिल्कुल। ऑब्जर्विंग, टू कीप ऑब्जर्विंग, कीप एब्जॉर्बिंग एंड उसको फिर। अब जैसे अब मैं उठ गया हूँ, ठीक है, आपसे बातचीत करके अभी मेरे पास 1 आध घंटा है अगली कॉल से पहले, तो मैं अभी बैठ के थोड़ा बहुत लिखूंगा जो कल 2 3 चीजें मैंने ऑब्जर्व की रही हैं। उसमें कोई जोक बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बन गया तो कोई बात नहीं, उसको जस्ट आई जस्ट हैव इट इन माई हेड, जस्ट ट्राई टू रूमिनेट ओवर इट एंड देन विल सी क्या बनता है उससे। तो इट्स अ कंटिन्यूअस आइटरेटिव प्रोसेस। वैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी ना पहले भी, तो मैंने कहा यार इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो बड़े बोरिंग इंसान होते हैं टू बी ऑनेस्ट, है ना, जितना से मैं अब जो मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ। तो ये राहुल दुआ इतना बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल। निकला, कैसे बन गया स्टैंड अप कॉमेडियन? तो मुझे प्लीज तो बताओ ये अपनी। मैं ना 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 गलत, आपका सवाल ही गलत है। मैं इंटरेस्टिंग था इसीलिए मैं गलत फंस गया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो फिर यस हमने यस इसीलिए इसीलिए हमने 15 महीने लगाए, हमने कहा ये नहीं हो सकता, आप निकलो यहाँ से। मैं नहीं पहन हाँ सकता सारी उम्र वो ब्लैक और ग्रे कोट और वो ब्लू शर्ट है, मुझे पहननी है मस्टर्ड शर्ट, मैं पहन के निकलूंगा रंग बिरंगी शर्ट पहन के, मैं नहीं कर सकता। नहीं मैम, तो ऑनेस्टली क्या था कि मेरी मेरी गलती गलती बोल लो या लैक ऑफ रिसर्च कह लो। जब स्टूडेंट मैं 23 साल का था मैम, जब मेरी नौकरी लगी थी सिटी बैंक में ना, 23 साल के बच्चे को हो सकता है आजकल ज्यादा पता हो, मेरे नहीं ज्यादा पता था, मैं पंजाब से आता हूँ, हमारे यहाँ ज्यादा एक्सपोजर नहीं था टू बी ऑनेस्ट। वहां तो मेरे को पता भी नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी एज अ प्रोफेशन लोग फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं। मेरे लिए ये था कि भाई अपना अच्छा पढ़ लिख लेंगे, नौकरी लगेंगे, बढ़िया घर बार लेंगे, गाड़ी वाड़ी लेंगे, बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, बढ़िया बेस्ट हो जाएगा। पर फिर जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आया, दिस इज व्हेन आई रियलाइज दैट ओके दिस इज अ डेस्क जॉब। मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ सारे दिन में जो कि मेरा बॉस है, और उसके ऊपर वाले हाँ बॉस को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। लाइक देयर इज वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू एंड आई एम अ वेरी मैं पीपल्स पर्सन लाइक दैट। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पर मैं आई डोंट थिंक मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार बात कर रहे हैं, या आपको मैंने ऐसा फील कराया कि हम पहली बार बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा अपना वो वाला सीन है। तो मुझे था कि यार मुझे लोगों से बात करनी, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाई, दिस इज व्हेन आई रियलाइज बिगिनिंग टू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स अबाउट माय सेल्फ एंड दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओ आई एम नॉट मेड फॉर अ डेस्क जॉब, आई माइट डू अ सेल्स जॉब, यू नो वेयर आई गेट टू मीट अदर पीपल एक्सेट्रा, जो कि मैंने करी भी उसके बाद 2 साल स्टार स्टार में। बट नथिंग नथिंग बीट्स कॉमेडी, लाइक आई गेट टू स्पीक टू मीट टू अ बंच थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिल्कुल। ऑन अ डेली बेसिस एंड दिस इज सो एम्पावरिंग, दिस इज सो गुड। तो बड़ा मजा आता है मैं करके। तो द जर्नी हैज बीन बाय एक्सीडेंट सो टू से, वेयर आई डिड नॉट प्लान कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, इट्स जस्ट दैट आई डिसाइडेड कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो जब वो ये डिसाइड हुआ कि जॉब नहीं करनी है, तब मैंने फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करे कि एक जॉब से दूसरी जॉब जाने से पहले ना एक बार 5 6 मिनट लगा के ऑप्शन देख लेते हैं अगर कुछ और है तो, अदरवाइज फिर वो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो जाएगी। तो फिर उसी उसी एक्सप्लोरेशन टाइम में फिर मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी मिली, दिखी, मैंने इसके शोज देखने शुरू करे और फिर मैंने करना शुरू करा, और वो दिन है और आज का दिन है मैम, नेवर लुक बैक। वैसे हु इज, लोग तो आपके कायल हैं, लेकिन आप किनके कायल हो? हु इज योर इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अप कॉमेडी? अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट स्टैंड अप कॉमेडियंस दैट देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस वाले कॉमेडियंस की बात करूं तो डेव शपेल हैं, बिल बर हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडिया में कॉमेडियंस की बात करूं तो जाकिर खान है,
अनुभव सिंह बस्सी है, कनन गिल है, सुमित आनंद है, बिस्वा है, सब है, हर एक का ना कुछ कुछ, जैसे जाकिर खान अनुभव सिंह बस्सी से बेहतर स्टोरी टेलर मुझे लगता अपने देश में कोई है, ठीक है, बिस्वा से बेहतर ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन हमारे देश में कोई है, कनन से बेहतर सोच सकने वाला आदमी कोई हमारे देश में है, उनके थॉट्स ही बहुत प्रोफाउंड है, तो हर एक से थोड़ा 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 सीखने को बहुत कुछ है, शार्क से बहुत कुछ है सीखने को, कि इतने बड़े दिग्गज बन जाने के बावजूद भी दे आर नॉट ओनली डाउन टू अर्थ बट दे आर सो सो हम्बल एंड दे आर सो, ऐसा टेंशन नहीं लेते ज्यादा, मैंने देखा हम ऐसे छोटे छोटे बात पर टेंशन लेते हैं, तो वो हाँ ऐसा चिल रहते हैं और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट से सोचते हैं, वो फालतू के 15-20 विचार एक साथ दिमाग में रख के कूड़ा नहीं कर लेते अंदर, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट सोचते हैं, तो देर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, व्हाट आई फील, देखा है कि पंजाब के जितने भी स्पेशली जो लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं उनमें बहुत ही तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मतलब कहाँ से क्या खाते हैं, क्या अच्छा क्या ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में, कि अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाए, खराब ना हो मेरी तरह। बस मैम वही है कि पता नहीं कैसे, आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम माय फादर, एंड वो बड़ा जोविल इंसान थे, बड़ा बड़ा खुश मिजाज इंसान थे, तो बस और वो थिएटर वगैरह भी करा करते थे अपने टाइम पे कॉलेज में, तो आई थिंक ओके वो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस और वो सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक मुझे मुझे वहीं से आता है, और ऑनेस्टली मैं बताऊं आई थिंक आई एम द लीस्ट फनीएस्ट इन माई फैमिली, इफ यू मीट माई ब्रदर वो मतलब ऐसा है कि आग लगा देता है, तो शुक्र है कि वो कॉमेडी नहीं कर रहा, नहीं तो मैं नहीं कमा पाता पैसे, ओ, मैंने हाँ ऐसा नहीं यार, तो कोई डुएट शो करना चाहिए जो आपने और निलेश ने, आई थी ना निलेश सूरी ना जिन्होंने किया था, निशांत 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 सूरी, हाँ जी हाँ जी निशांत, हाँ जी सूरी एंड मिस्टर दुआ ने जो किया था, वो मुझे लगता है आपको आपके हाँ भाई को जी भी शुरू कुछ थोड़ा मैम, अलग कॉन्सेप्ट। उसको मैंने आइडिया दिया था, पर वो कह रहा है कि सुन मेरे ना नौकरी से मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, तू कर ही, मैं कहा ठीक है अच्छा वैसे फैमिली का हाँ मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जब भी आप अपना कोई कोई अच्छा खासा जॉब छोड़ के, अच्छी पोजीशन छोड़ के, जहां आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप तो टॉपर भी रहे हो है ना, कैट का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया 99.9 पता नहीं कितने परसेंटेज है, ये तो मुझे बताओ कैसे कर लिया था, मतलब क्या है कैसे कर लिया कैट इतने इतने सारे परसेंटेज के साथ। मैम पता नहीं शायद भगवान का आशीर्वाद है मुझे या अपनी खुद की मेहनत है, जैसे भी है मैं ना मैम जो चीज करता हूँ मैं उसको 100% फोकस किस बेस्ट 100% करता हूँ, मैं फिर भूल जाता हूँ बाकी और कुछ एग्जिस्ट करता दुनिया में या नहीं करता, कैट के टाइम पे भी ऐसा था, शार्क टैंक के टाइम पे भी ऐसा था, लाइक शार्क टैंक पे हमने जैसे मिड अगस्त से शुरू करा शूट करना, नवम्बर मिड तक हमने हर वीकेंड शूट करा, दिवाली वाले वीकेंड छोड़ के हमने हर वीकेंड शूट करा उस टाइम पे, अब वीकेंड्स पे हमारे हमारे शोज भी वीकेंड्स पे होते हैं स्टैंड अप वाले, तो बहुत शो आते थे कि अच्छा सुनो हम आपको जी इतना 8 लाख रुपया दे रहे हैं, हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, दुबई आ जाओ बाहरीन आ जाओ, मैं कहा नहीं मैं ये कर रहा हूँ मैं यही करूंगा, मैं मतलब आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द क्रिएटिव डायरेक्टर सेइंग कि अच्छा सुनो मेरे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, ये फलाना फलाना बंदा बुला रहा है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, प्लीज एक दिन मेरे को जाने दो, मैं मंडे को आके शूट करूंगा, कुछ नहीं, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर आई एम फॉर्चुनेटली वेरी प्रोफेशनल लाइक दैट, तो फोकस में एक बार बस वो घोड़े की नाल पहन लेता हूँ ना मैं, तो फिर मैं वो पहन लेता हूँ, मतलब दिशा कैट मरी में भी मैम ऐसे, हाँ कैट में भी ऐसे ही हुआ था, 7-8 महीने मैंने दबा के तैयारी करी थी, मैं कॉलेज जाता था लेक्चर लगाता था फिर उसके बाद वापस हॉस्टल चला जाता था, मेरे दोस्तों को पता था कि इसको चिकन खाने बुलाएंगे नहीं जाएगा, इसको दारू पीने बुलाएंगे इसको नहीं जाएगा, ये कहीं बाहर इसको पार्टी करने कुछ 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 करने बुलाएंगे ये नहीं जाएगा, ये काम कर रहा है, सो ग्रेजुअली आफ्टर 1-2 महीने बाद दे ऑल्सो रियलाइज की अच्छा लिसन लेट्स ब्रिंग द पार्टी टू हिम रादर देन गेटिंग हिम टू गो टू द पार्टी बिकॉज ही विल नॉट मूव, तो मैं मेरा वो है थोड़ा सा कि थोड़ा ये आशीर्वाद कह लो थोड़ा अंदर का कीड़ा कह लो जो भी है, तो कैट भी शार्क टैंक, शार्क टैंक मैम मेरी इट वॉज लाइक मैंने 3 ऑडिशंस दिए थे, एक इनके ऑफिस जाके, एक जब ये लाइव ऑन्टरप्रेन्योर्स को पैन इंडिया स्क्रीन कर रहे थे तो दिल्ली में जब ये स्क्रीन कर रहे थे तो वहां पे मैं लाइव ऑन्टरप्रेन्योर से मिला था, उनकी पिचेस सुनी थी फिर उनके साथ बातचीत करी थी, और एक बार और मैं दिया था, तो ऐसे हाँ मैम स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हुई थी बकायदा, एंड ऑब्वियसली इनको एक ये भी तो एक एक रिस्क ले रहे थे ना ऑन बिल्कुल समबडी हुज नेवर बीन अ होस्ट बिफोर बिल्कुल फ्रॉम समबडी हुज 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 अ होस्टिंग वेटरन राइट, तो दे ऑल्सो हैड टू बी डबली श्योर ऑफ द फैक्ट कि भाई ये बंदा काबिल है इस जॉब के, तो फिर जब इन्होंने भरोसा दिखा दिया फिर मैंने अपना पूरा भरोसा मतलब इनके भरोसे पे खरा उतरा, बिकॉज मेन स्ट्रीम टेलीविजन था मेरा पहली बार, एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज कि ओ जैसे वेब सीरीज में वेब के लिए हम डिजिटल के लिए शूट करते हैं ना 8-10 घंटा एक दिन का शूट होता है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, 12 भी हो सकता है,
16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप अगर अभी आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा चलो आधा घंटा लंच ब्रेक लेते हैं, कुछ नहीं, कुछ फट गया, रियलिटी शो है ना मैम, तो रियलिटी में, तो रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी होगा, आपको इमीडिएटली न्यूज रिपोर्टर की तरह मौका है वारदात पे पहुंचना है, सारा तबसरा कर। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस आई थिंक आई आई डिड अ गुड जॉब वेयर आई आई लाइक कि अब पढ़ चुके हैं, अब इसको अच्छे से करके ही निकलेंगे। सो आई आई वेंट विद द फ्लो, आई सरेंडर टू द फॉर्मेट, आई वेंट विद द फ्लो एंड आई थिंक वी डिड अ फेयरली गुड जॉब। जब आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, आप अच्छा कमा रहे होते हो पैसा, जब आप हाँ आपको छोड़ दो यार, अब मेरे को कुछ और करना है, या मैं ये करना चाहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी का, जैसे आपने सोचा, तो फैमिली काफी डर जाती है पीछे, मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली अगर होगी या मिडिल क्लास वाले हम जो लोग होते हैं, तो तब पेरेंट्स का क्या कहना था कि अरे अब अपना लगा लगाया पैसा छोड़ के अब इसमें करोगे, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कमिंग टू बॉम्बे डूइंग एक्टिंग और लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें नहीं पता था फ्यूचर क्या होगा, सो हाउ डिड दे रिएक्ट? मैम, फॉर्चुनेटली मेरे घर वाले हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर चीज को लेके। तो जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे को जॉब नहीं करनी, उन्होंने बोला ठीक है नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करना है? मैं कहा पापा मैं सोच रहा हूँ, कह रहे हाँ कोई नहीं चक्कर, टेक योर टाइम। तो जब मैंने उनको कहा कि मेरे को कॉमेडी करनी है, कह रहे ठीक है, उनको नहीं समझ में लगा पर उन्होंने कहा ठीक है। मुझे पता है उनको नहीं समझ में लगा क्योंकि बहुत सारे सवाल थे जो जब मैं घर जाता था तो मुझसे पूछते थे कि अच्छा थे तू टीवी पे आएगा, मतलब कपिल शर्मा वहां आएगा? मैं कहा नहीं मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, मैं अभी लाइव स्टैंड अप करूंगा, मैं वीडियो रिलीज करूंगा यूट्यूब पे। अच्छा इन्हें कितने पैसे बन जाते हैं? मैं कहा जी मुझे पता नहीं है, अभी थोड़े तो बहुत तो बन जाते हैं, 10-12 हज़ार रुपया महीने का बन जाएगा अभी 6-8 महीने बाद। कह रहे फिर आपा तो चंगी नौकरी तो लगी हुई सी, आपा हाँ क्यों आपा 10-12 हज़ार? तो तो उनके ऐसे स्वीट बहुत सारे सवाल थे। हाँ उनके बहुत सारे सवाल थे। एंड उनको एक तो मैम होता ना कि बंदा ढीठ होता है जो कहता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे परेशान मत करो मैं ये करूंगा। नहीं मैंने उनकी उनके सवालों को उनकी उनकी उनके कंसर्न्स को भी वेटेज दिया और सोचा, एंड दिस इज व्हेन आई केम टू अ कंक्लूजन कि भाई हाँ आई थिंक लीविंग अ वेल पेइंग जॉब फॉर अ वेरी अनसर्टनली पेइंग जॉब इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। तो मैंने फिर उसके 3-4 महीने बाद स्टार टीवी में नौकरी ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था, मेरे टाइम का दिन का रात का सुबह का कोई पता नहीं था, 7 दिन में काम करता था। यहाँ पे स्टार में मैं 5 दिन काम करता हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, 6 बजे फ्री हो जाता हूँ। सो ऑन वीकडेज ऑल्सो आई हैड टाइम टू यू नो इन द इवनिंग टू गो टू ओपन माइक एंड प्रिपेयर फॉर माई मटीरियल, एंड सैटरडे संडे तो मैं घर बैठ के आराम से बकायदा लिखता था। तो वहां से पैसे भी आ रहे हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, अपना स्टैंड अप कॉमेडी वाला भी। तो दिस बैलेंस आई स्टक फॉर अबाउट 2 ईयर्स एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब इन 2017 एंड 2018 में कॉमिक स्टार हो गया। एंड बस फिर उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद, घर वालों की कृपा, अपना चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड आई वुड से। वेल इनफैक्ट अगर मैं शार्क टैंक के बारे में और जानना चाहूँ, जैसे हम हमने देखा कि रणविजय भी अपना बिजनेस शुरू कर ही चुके, उन्होंने भी अपना इक्विटी विक्विटी लगा दिया है पैसा अपना बिजनेस में, तो इसको होस्ट करने के बाद कोई ऐसा प्लान भी है कि आगे बिजनेस भी करना है अपना? मैम उसके लिए ना वो चाहिए होती है बुद्धि, वो है नहीं मेरे पास। तो अभी मैं तो ऑनेस्टली मुझे ना मेरे लोगों ने मेरे इसको ऑब्जर्व करने हाँ के लिए आप चाहिए है ना? हाँ हाँ मैम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, कह रहा कि सुन कोई बढ़िया स्टार्टअप वगैरह देखा तो हम डाल बता दे, हम भी थोड़ा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। मैं कहा भाई देख मैं कर रहा था वहां काम, जब वो जाते थे पिच कर रहे होते थे मैं पिच देख रहा होता था ओनली टू इवेल्युएट कि मैं कब कहाँ कौन सा जोक मारूंगा। मुझे हाँ अब देखूंगा ये सारे पिचेस टू अंडरस्टैंड कि ओ बिजनेस मॉडल किसका अच्छा है, अगर मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है तो मैं कुछ डाल दूं। पर मैं तो तब मैम उसी लेंस से इवेल्युएट कर रहा था कि मुझे जोक मारना है, इसके बाद मुझे काम करना। तो मेरा अभी के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है, पर हाँ बैंक बैलेंस जिस दिन अलाउ करेगा कि हाँ अच्छा सुनो ये 5-6 लाख रुपए कहीं और डाल दो, 3-4 लाख रुपए कहीं और डाल दो, तब तो मैं हम डाल देंगे। अभी तो खैर नहीं कर रहा रहा होगा बैंक बैलेंस, ये तो झूठ है, ये तो पक्का झूठ है ना? अलाउ। नहीं मैम घर बार वाले बंदे हैं मैडम, आपको पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। ये मेरा नाम नमिता सचदेवा है, मैडम नहीं है मेरा नाम। नमिता नमिता मैम आपको पता नहीं घर बार वाले बंदे कितने खर्चे होते हैं, दिन का कुछ ना कुछ होता है, कभी मेरी मैडम का बर्थडे आ रहा था, कभी मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा था, आप समझो ना, ऐसा है ही नहीं, बच ही नहीं रहा कुछ।
अच्छी बात है। वेल आई होप कि आप आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस करते हो। देखो वैसे एक्टिंग एक्टिंग के बारे में भी सोचा है इसके बाद में? मैम बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो सीन है कि मेरे को, मुझे सब करना है, मेरे को स्टैंड अप भी करना है। अब होस्टिंग हमने कर लिया, होस्टिंग की और अपॉर्चुनिटी जाएंगी, मैं करना चाहूंगा बिकॉज अच्छा लगा मेरे को होस्टिंग करके। और एक्टिंग तो मैम मेरा ड्रीम है ही है कि मेरे को एक्टिंग भी करनी है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू हाथ से रिटायर कर जाएगी, सारा काम राहुल बुआ का बिलो मेरे हिस्से का नन भी। सारा सारा नहीं सारा नहीं सारा नहीं, मैं सब सब करें, सब मिल बांट के करें, अच्छा रहता है। क्योंकि हम मैम पंजाबी आदमी है ना, हमें माहौल भी चाहिए, हमें चाहिए भी 7-8 लोग हों हमारे साथ, कही है मुंडे ना है ना। तो फिर अपना ऐसे अकेले मैं एक्टिंग करूं, मैं ही डायरेक्शन करूं, मैं ही राइटिंग करूं, मैम वो मजा नहीं है उसमें। कोई अपने सारे जने बैठे 10-12 लोग, अपना चाय वाय पिए, थोड़ा साथ में अपना खाना वाना खाएं, स्क्रिप्ट लिखें, बढ़िया एक्टिंग वैक्टिंग करें, ऐसा सा माहौल चाहिए। सही बात है। तो एक्टिंग के बारे में बता रहे थे, अभी एक्टिंग कैसे करनी है शुरुआत फिर? मैम मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, एंड आई एम दिस वन पर्सन हु डजंट बिलीव इन स्टिकिंग टू वन। आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ ऑल इन द सेंस, मेरे को होस्टिंग भी करनी है, स्टैंड अप भी करना है, एक्टिंग भी करनी है। कल को मेरा मन करा तो मेरे को कोई कोई ऐसा वेब सीरीज या कोई स्टैंड अप शो या कुछ डायरेक्ट भी करना है। तो मतलब आई वॉन्ट कीप माई ऑप्शन ओपन। सो आई रियली होप दैट दिस इंटरव्यू डज वेरी वेल एंड रीचेस टू द राइट ऑडियंस, सो दैट पीपल कास्ट मी, पीपल पीपल गिव मी नोटेड, रोल। नोटेड, अंडरलाइन। या तो बस मैम वही है कि उम्मीद है कि रोल्स मिले धीरे धीरे। कुछ आते हैं मैम कास्टिंग के रोल्स आते हैं, तो मैं घर से टेप बना के, ऑडिशन टेप बना के भेजता हूँ। अभी तक कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ बारिंग अ कपल ऑफ टेलीविजन कमर्शियल्स, टेलीविजन एड्स। आई रियली होप सम गुड वेब सीरीज का रोल या कुछ मूवी वूवी का रोल आ जाए, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा, 100% करना चाहूंगा। वैसे आफ्टर दिस कोई अपना ऐसे फुल फ्लेजेड शो शुरू करने का भी सोचा है कि स्टैंड अप कॉमेडी कुछ ऐसा अपना शुरू करूं टीवी पर, जिस तरह से द के एस एस, कपिल शर्मा शो, KSS, ऐसा जो है एस मैडम चटर्जी? टाइम ही टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है अभी, नहीं नहीं है और मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं होता उनके पास बैंक बैलेंस भी बहुत होता है ना? मैम पता नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, ना टाइम हो रहा ना बैंक बैलेंस हो रहा है, पता नहीं। या तो मैं गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहा हूँ डिस्पाइट बीइंग शार्क टैंक होस्ट सीजन, हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए कायदे से, मैं सीख के बहुत कुछ आया वहां पर। नहीं मैम बेसिकली क्या है कि अभी मैं, मेरा एक शो बना हुआ है स्टैंड अप शो कॉल्ड ओ हेलो, तो मैं अभी एज वी स्पीक मैं उसके साथ टूर पे हूँ, बस न्यूयॉर्क का ब्रेक ले रखा, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑन टूर विद दैट। सो आई एम गोना बी ऑन टूर, डोमेस्टिक टूर पे हूँ मैं टिल फेब्रुअरी एंड, एंड देन मार्च में आई एम गोइंग विद द सेम शो टू द यूएस। तो आप यूएस जावांगे, आप कनेडा जावांगे, फिर वापस आके आके मैम फिर उसका अप्रैल ऑनवर्ड्स आई हैव सम टाइम एट माई हैंड, सो तब तक मैं थोड़ा एक टीम वगैरह सेटअप करके एक शो का आइडिया है, देखते हैं बनता तो बनाएंगे खुद से। पर अभी के लिए मैम मेरा थोड़ा फोकस यही है कि अगर ये होस्टिंग स्लैश एक्टिंग गिग्स मिल जाए और अपना मेरा स्टैंड अप चलता रहे पैरेलली, अभी मेरे पास तीसरा काम उठाने की, कोई अपना खुद का शो बनाने का कोई ऐसा ना विचार है ना इच्छा है, सो टू से। अभी पहले मेरे को स्टैंड अप एज अ हुनर मेरे को और थोड़ा परफेक्ट करना है। ओके, वेरी नाइस। वैसे भी मतलब आप तो काफी अच्छा करते हैं, डे बाय डे यू लर्न थिंग्स एंड यू गेट बेटर ऑफ कोर्स, है ना, एज ह्यूमन बीइंग। तो बहुत ही अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर टू वॉच ऑल योर शोज इंडिया, और फिर ओ हेलो भी जरूर देखूंगी मैं, आपके सारे वीडियोस तो मैं देखती हूँ। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू नाउ एंड आई एम थैंक लुकिंग यू सो फॉरवर्ड मच दैट। मैम।